नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल वॉक्स बाबा पर। आज का जो हमारा टॉपिक है पद्दतकाल में स्थित पापनाथ मंदिर के बारे में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। आज उसी के रीडेवलपमेंट वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो तंगीनाथ धाम के बारे में बनाया था, जो भी भगवान शिव को ही समर्पित है। तो चलो आज शुरू करते हैं पापनाथ मंदिर का रीडेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं। पद्दतकल कर्नाटका में बालागोड़ जिले में स्थित एक सुंदर शहर है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर का एक हिस्सा है। वास्तव में पद्दतकल वैसे तो ऐतिहासिक स्मारकों का एक समूह है, जो अपने पुराने महत्व के कारण प्रसिद्ध है। पद्दतकल में बहुत से मंदिर आते हैं, जिसमें हिंदू मंदिर और जैन मंदिर सबसे ज़्यादा है। इन सब में जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो विरूपक्ष का मंदिर है, जिसे रानी लोक महादेवी द्वारा बनाया गया था। इसी विरूपक्ष के मंदिर के आसपास के जो मंदिर है उसमें से ही एक मंदिर पापनाथ मंदिर है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी हम पापनाथ की हिस्ट्री जानेंगे। पापनाथ मंदिर जो है महाभारत और रामायण के लिए प्रसिद्ध है। वो कैसे? तो ऐसे कि इस मंदिर में महाभारत और रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं, जो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो ये द्रविडियन और नागर वास्तुकला से बनाया गया है, जो 680 ईस्वी में निर्माण किया गया था। ये मंदिर भगवान शिव के मुकुट वाले रूप में दिखाई पड़ता है। इसकी रखवाली स्वयं नंदी महाराज और वीरभद्र करते हैं, और इसीलिए इसे मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी कई साल हो गए हैं इस मंदिर के लिए, तो इसका जो अभी हालत है ख़राब हो गई है, और इसके आसपास के मॉन्यूमेंट है वो भी टूटने लगे हैं। फिलहाल ये अभी यूनेस्को के हाथ में दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया। तो चलिए आज हम इसी के बारे में इसका रीडेवलपमेंट और रीडिज़ाइनिंग करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये वास्तव में पहले कैसे दिखता था।